सो ख्याल चाल है मेरे वाले को बढ़िया। सो फाइनली हेरा फेरी 3 को लेकर काफी बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। मीन्स ये न्यूज थोड़ा सा सैड न्यूज है यार, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज चल रहा है ना भाई, ये न्यूज में ये कहा जा रहा है कि भाई हेरा फेरी 3 में अपने परेश रावल सर नहीं देखने को मिलने वाले हैं, और साथ साथ परेश रावल सर के एक इंटरव्यूज को भी काफी तेजी से भाई वायरल किया जा रहा है। तो चलो फिर यही चीज पर तुम्हारा भाई थोड़ा नजर डालते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। वीडियो में बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई 1.5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम्हारा भाई चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट, आते अपने हेरा फेरी 3 में। ये फिल्म को लेके कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है फिरोज नाडियाडवाल, उन्होंने एक इंटरव्यूज में एक क्लियर किया हुआ था कि वो हेरा फेरी 3 को बना रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि हेरा फेरी 3 के स्क्रिप्ट पे हम लोग बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट होगी उसके बाद हम लोग भाई अनाउंसमेंट करेंगे सेम स्टार कास्ट के साथ। ये प्रोड्यूसर का कहना है सेम स्टार कास्ट होने वाले हैं, मीन्स सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल, ये तीनों की तिकड़ी फिर से हम सबको देखने को मिलने वाली है। बट अभी जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही है उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये फिल्म को मीन्स हेरा फेरी 3 को अपने परेश रावल सर नहीं करने वाले। क्या उन्होंने सच में बोला है कि वो हेरा फेरी 3 नहीं करने वाला है? यार जब भी मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया ना, मैं भी देख के थोड़ा सॉफ्ट हो गया यार। मैं भी बोला अबे तेरी ये कब हो गया यार। सीरियसली अगर तुम्हारे पास ये एट ए टाइम कोई इस टाइप से आर्टिकल या फिर इस टाइप से कोई भी न्यूज़ आएगा तुम देख के सॉफ्ट हो जाओगे यार। सीरियसली मतलब हेरा फेरी से अगर तुम बाबू राव के कैरेक्टर को निकाल दो फिर तो हेरा फेरी डब्बा हो जाएगा यार। फिर तो हेरा फेरी देखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आज को ना मुझे सुनील शेट्टी और राजू का जो कैरेक्टर है, मीन्स अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है भाई, ये कैरेक्टर से फार 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 बेटर लगा है अपने बाबू राव का कैरेक्टर। हेरा फेरी का जान है यार बाबू राव, उनके बिना हेरा फेरी बनी नहीं सकती है मैन। मतलब अगर बाबू राव नहीं आए ना तो पब्लिक देखने भी नहीं चाहिए हेरा फेरी 3। सो इस टाइप से न्यूज थोड़ा देर के लिए ना सॉल्व कर देता है भाई कि हेरा फेरी 3 में भाई परेश रावल नहीं आ रहे, भाई क्या चल रहा है यार। सो बात करते हैं एक्चुअली परेश रावल सर ने हेरा फेरी 3 को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट एक आध मंथ पहले का स्टेटमेंट है। अभी इंटरव्यूअर ने उनको हेरा फेरी 3 को लेकर क्वेश्चन किया तो सामने से परेश रावल सर ने जवाब दिया है, सिक्वल अभी बहुत सारी बन रही है बट मैं ऐसे सिक्वल में काम करना चाहता हूँ जो सिक्वल थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे मुन्ना भाई का जो भी सिक्वल आया हुआ था, वाला सिक्वल में डायरेक्टर ने पूरे कैरेक्टर को ही लगभग लगभग चेंज कर दिया था, जो ये चीज़ है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। सो अगर इस टाइप से कोई सिक्वल बनाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बट अगर इस फिल्म के मेकर अगर वही रिपीटेड वाला धोती कुर्ता वो ग्लास पहना जैसे वही डायलॉग बुलवाएंगे तब मैं इस फिल्म को करने के लिए ना ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि उन्होंने फिर से बोला है कि मैं अभी इस टाइम पे धोती कुर्ता और चश्मा लगा के ना उस टाइप से ना जोक्स नहीं मारना चाहता। मेरे को चाहिए प्रॉपर कोई फ्रेश सा स्टोरी और साथ साथ मेरा कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और ऐड किया हुआ था, अगर मेकर्स मुझे वैसे ही धोती कुर्ता और चश्मा पहनाएंगे तो मैं इस फिल्म के लिए ना मोटा रकम चार्ज करूँगा, नॉर्मल प्राइस पे इस फिल्म को नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं करूँगा तो मैं ह्यूज अमाउंट लूंगा यार। और ऑब्वियस बात है भाई परेश रावल कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है, हम सबको पता है इतने वर्सेटाइल एक्टर यार, तो वो अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। बट अभी जो न्यूज़ फैल रहा है वो न्यूज़ अभी सरासर गलत है। हम सबको पता है ये फ्रेंचाइजी ना कुछ छोटा मोटा फ्रेंचाइजी नहीं है यार, ये जब भी आएगा ना भाई लोगों को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हेरा फेरी के फैंस तुम सबको इस पर क्या कहना है अपना ओपिनियन तुम कमेंट करके बता सकते हो। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।